हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी हो रही हूँ, मतलब पहले ज़्यादा बीमारी, अब ठीक हूँ। तो बेसिकली ना यू ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे इंस्टा पे भी मैसेज आए, वैसे भी कमेंट थे कि बेबी कैसे हुई थी, नॉर्मल हुई थी या सी सेक्शन से हुई थी। अब आपको वैसे मेरी हालत देख के क्या लग रहा है, कैसे हुई होगी कमेंट करके बताना भैया। पहले इसका इतने दिन इंतज़ार किया, कभी 10 की डेट, कभी 12 की डेट, कभी 17 की डेट, फिर फाइनली, नहीं 17 तो ये था फाइनली, आज आज फाइनल डेट है 17 की। ठीक, 17 को जाके वापस आ गए, फिर 18 की डेट आना तो महारानी ने 18 को था, तो 17 को क्या कर सकते थे। तो भैया 18 को गए, जल्दी चले गए थे, सोच रहे जल्दी हो जाएगी, बट ये हुई 6 बजे थी, शाम के 6 बजे। ठीक, ये था कि उसने कहा था कि 8 साढ़े 8 बजे आओगे, तो ये 1-1.5 बजे तक फ्री उठाओगे, और शायद हो भी जाते, पर वही है ना, किसी ने कहा कि अगर कुछ चीज़ मतलब हो जाए तो समझ लो भगवान की कृपा, मतलब जो आपने सोच रखी है वो हो जाए तो भगवान की कृपा है, अगर नहीं हुई तो उसकी इच्छा, कि मतलब वो नहीं चाहता था, उसकी इच्छा थी। ठीक, मतलब मेरे को 3-10 बजे से तो स्टार्ट हो गए थे, और 1 बजे से तो बढ़िया वाले स्टार्ट हो गए थे। फिर वेट करते रहे कि हाँ ठीक है ठीक है, मतलब हो जाएगा, ये था नॉर्मल होगी। 1 से 2 बज गए, 2 से 3 बज गए, ठीक है। और उस जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, क्योंकि जैसे जैसे मतलब यही है कि यार अगर कम टाइम में हो जाए तो फिर ये होता है ना कि हाँ भाई चलो ठीक है, मतलब वो होता है ना, कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आप लंबे टाइम से बीमार हो तो आप मतलब ये है कि धीरे धीरे इंसान की हिम्मत गिरने लगती है। तो मेरे साथ भी वही था भाई, धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे, ठीक, बट डॉक्टरों का रिप्लाई वही कि भैया मतलब बच्चा दानी मुंह नहीं खोल रही है। ठीक, उसके बाद भी देखो और उसके बाद ठीक है भैया, फिर उसके बाद 4:30, फिर 5, 5:30, फिर जब 5:30 बजे तो मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है, मतलब लिटरली ना ऐसा हो गया था, मेरे होंठ नीले हो गए थे, क्योंकि पेन का लेवल बढ़ गया था, बहुत बहुत पेन हो रहा था, मतलब मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे, मतलब मैं रो रही थी पर मैं चिल्ला ही नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ भाई चिल्ला रहे हैं कोई इंसान, मेरी आंखों से तो आंसू जा रहे थे पर मैं चिल्ला ही नहीं, मतलब पेन तो बहुत था। मतलब उस दिन महसूस किया था यार, मतलब माँ बनना ना बिल्कुल आसान नहीं है, लोगों को लगता होगा बट आसान नहीं है। तो 9 महीने इतनी स्ट्रगल की है मैंने, क्योंकि मैं बहुत कम एक्टिव रही हूँ सोशल मीडिया पे भी, मतलब हिम्मत करती थी मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, मतलब कोशिश करती थी कि हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, बट बहुत मतलब अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करके, क्योंकि बेचैनी वगैरह जैसे सब वो किसी किसी को होता है ना, किसी किसी का तो पता भी नहीं चलता प्रेगनेंसी में, कोई बोलता मेरे को तो पता भी नहीं चला, बट भाई मेरे को बहुत अच्छे से पता चले हैं मेरे 9 मंथ्स बहुत अच्छे से, कि मतलब इस लड़की ने 4 महीने तक मेरे को बाहर, मतलब ऐसा था कि बाहर का कुछ नहीं खाया मैंने, सिर्फ एक ही सब्जी खाई, भिंडी, सुबह भी शाम भी, और इतनी बेचैनी, इतनी उल्टियाँ, मतलब मुझे पता था कैसा टाइम था वो, ऐसा लगता था भगवान किसी तरीके से ना दिन कट जाए, फिर लगता था भगवान किसी तरीके से रात कट जाए, वो टाइम ऐसे ऐसे करके काटा।
फिर शाम को 5:30 बजे डॉक्टर ने फाइनली बोल दिया था कि भाई अब आप अपने हिसाब से देख लो, बट मेरे को कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। और पेन बहुत नेक्स्ट लेवल वाले हो गए थे। फिर उसके बाद मम्मी ने और भोलू ने डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सी सेक्शन से करवाएंगे। फिर सी सेक्शन के लिए लेके गए। मैं जब ऊपर ऑपरेशन थिएटर में ओटी में पहुंची तो फिर वही इतना पेन था ना, आई वॉज जस्ट सेइंग कि भैया मेरा दर्द ख़त्म कर दो, मतलब कहीं भी हाथ में सुई घुसा दो, कुछ भी कर दो, कितनी सुइयां लगा लो तुम, बस दर्द ख़त्म हो जाना चाहिए। इतना दर्द था मेरे को उस टाइम पे, तो भैया बस दर्द ख़त्म कर दो। उसने कहा बेटा 2 मिनट, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये था कि हाँ मैं बहुत बेचैन थी, मतलब सबको डर लगता है यार, फर्स्ट टाइम जो बंदा इंजेक्शन नहीं लगवाता उस वो मतलब ओटी में जा रहा है फर्स्ट टाइम। फिर लेकिन हाँ डर तो था, लेकिन ये था कि भाई इस दर्द से ज़्यादा ना मतलब शायद एक खुशी होगी भैया, मतलब है ना यार, सबको होता है कि जितना दर्द है ना वहाँ बनने में उतनी खुशी भी है यार, नो डाउट, बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे लगता है जब ओटी में मतलब मेरे को लेके गए थे 5:30 बजे, 6:30 बजे के आसपास मुझे निकाला था, ठीक। तो कुछ देर आईसीयू में रखा था, लेकिन बेबी बहुत जल्दी लेके आ गए थे वो बेबी को। जब ये हुई ना, मतलब आपको पता रहेगा पूरी सर्जरी के टाइम पे कि आपकी सर्जरी चल रही है, आपकी आंखें खुली रहेंगी, आपके हाथ भी मूव करेंगे, बस आपका नीचे का बॉडी का पार्ट मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद भैया मतलब उन्होंने मतलब जैसे ही निकाला ना बेबी को बाहर, तो मेरे को पता चल गई थी हाँ भाई निकाल लिया, मतलब ऐसे एकदम ऐसे लगा बॉडी में कुछ खींचा। उसके बाद भैया मैंने कहा मतलब निकलते ही कहा मेरे को बेबी देखनी है, मैंने कहा मेरे को बेबी देखना है मेरा। फिर उसने कहा हाँ अभी 1 मिनट रुको, वो नहलाने के लिए बात के लिए लेके जाते हैं ना बेबी को, तो बात के लिए लेके गए। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है उसको बात करवा के लेके आए, मतलब बहुत ज़्यादा तो ये नहीं था, बट मैंने इसको ऐसे करके देखा जब इसको लेके आए, इसको ऐसे करके देखा। और फिर उसके बाद मतलब बहुत जल्दी वो लोग वापस ले गए थे, बस ऐसे ही कोई 20-30 सेकंड के लिए दिखाते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा देर के लिए। फिर लेके गए मेरे को, सर्जरी कंप्लीट होने पे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। भोलू आया तो मतलब यार होता है ना उस टाइम पे, मतलब आप फिज़िकली वीक हो और मतलब खुशी भी है, सब कुछ है, तो मैं उसको देख के रो रही हूँ। उसने मेरे को बोला, फ़ोटो दिखाया, देखो हमारी बेटी कितनी क्यूट है। तो फिर मैंने देखा तो मैंने कहा ये सच में इतनी मोटी है? कह रहे हाँ सच में इतनी मोटी है। तो इसके बाद फिर मैंने उनको जल्दी जल्दी बोल के, मैं बेहोश नहीं हुई थी बिल्कुल भी, सब कहते हैं ना नशा हो जाता है, ये हो जाता है जब ओटी से निकालते हैं आईसीयू में लेके जाते हैं, मेरे को कोई नशा नहीं था, मैं नॉर्मल थी पूरे टाइम, ठीक। उसके बाद जो है ये मेरे को आईसीयू में लेके गए, आईसीयू में ना कुछ जानने वाले थे, मतलब यार हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग जानते थे, तो बड़ा अच्छा सा लगा यार, बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। और दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। एक आंटी थी वो अपनी बेटी के साथ थी, भाई मुझे नहीं पता वो आंटी ये ब्लॉग देखती होंगी या नहीं देखती होंगी, ये फैमिली से कोई देखता होगा या नहीं देखता होगा, ठीक। बट वो आंटी इतनी अच्छी थी ना, मतलब इतनी हिम्मत बांधी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा इतना बहादुर है। एक और दीदी थी वो अपनी सिस्टर के साथ आई थी, मतलब वो देखती थी ब्लॉग तो वो जानती थी मेरे को, तो उन्होंने भी बहुत मतलब ऐसे हिम्मत दी कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, टेंशन मत ले, ये है वो है।
तो दुनिया में अच्छे लोग हैं, और स्पेशली भाई और आंटी ने मेरे को इतना प्यार दिया ना, इतना प्यार। उस टाइम मेरे को लग रहा था ना, मतलब मैं बता नहीं सकती भैया कैसा फील हो रहा था मेरे को जब वो मेरे को दिलासे दे रही थी ना कि बेटा ये है वो है, मतलब बहुत सुकून मिल रहा था इतने दर्द होने के बाद भी। जब आईसीयू से फाइनली मैं मतलब रूम में शिफ्ट किया मेरे को, फिर उसके बाद मतलब सब लोग थे रूम में फैमिली के, फिर इसके बाद मतलब मैंने कहा कि मम्मी मेरे पास लेटा दो इसको। मतलब उस रात नहीं, शायद अभी भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं इसे जब देखती हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है तू देखती रहे तू देखती रहे। मैं बोलूँ से बोलूँगी बोलूँ यार एक बात बता, मतलब कि ये मेरी बेटी है मुझे इसलिए ज़्यादा क्यूट लगती है, या फिर ये है ही क्यूट? तनु दी बोलेंगे ये है ही क्यूट इसलिए ज़्यादा क्यूट लगती है। मतलब पर नौटंकी पूरी है, दिन में सोएगी रात को रोएगी और मम्मी के पास सोएगी। ठीक, तो यही था कि मतलब नॉर्मल की बात थी डिलीवरी की तो, बट हुई सी सेक्शन से। वही है ना कि क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ही था कुछ भी। यार मैंने भी ट्राई किया था, अब चाहे कोई कुछ भी बोलो, ठीक है लोग ये बोलते ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, भाई मुझे पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, और क्या मतलब कितनी स्ट्रगल की यार मैंने 9 महीने इसके लिए इतनी स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये ऐसा होता ना, डाइजेस्ट नहीं होता था मेरे को खाना, मेरे को नींद नहीं आती थी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, तभी मैं इतनी इनएक्टिव रही थी मतलब लास्ट कुछ मंथ्स में। उससे पहले इसलिए इनएक्टिव थी क्योंकि मेरी मम्मी बीमार थी, सबको पता है। मतलब लास्ट सितंबर अक्टूबर से मेरे साथ, लास्ट टू लास्ट कहूँगी 2021 से, क्योंकि मम्मी बीमार थी तो तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि यार मम्मी ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर उसके बाद मम्मी की 2 सर्जरियाँ कंप्लीट हुई, उसके बाद बेबी कंसीव हो गया था, तो बाबू की वजह से फिर मतलब ये था कि हाँ भाई ये प्रायोरिटी है, कोई नहीं सोशल मीडिया तो ठीक है। फिर उसके बाद अभी सर्जरी हो गया है, बट हाँ टच वुड भगवान ने चाहिए तो बहुत जल्द रिकवरी हो जाएगी। पिछले 4-5 दिन से तो इसलिए ज़्यादा इनएक्टिव हो क्योंकि फीवर हो रखा था, उतरता है चढ़ जाता है। तो कल फाइनली ब्लड टेस्ट कराए तो टाइफाइड था, तो बस यही है यार। और थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत प्यार दिया, ठीक है, मतलब बेबी को भी जितना हम एक्साइटेड थे ना उतना आप लोग भी, क्योंकि और यार देखो कुछ लोगों ने कहा कि रिवील मत करो, रिवील इसलिए किया बेबी का फेस क्योंकि यार एक बात बताओ, क्या फैमिली से कुछ छुपाते हैं क्या? तो यार आप लोग फैमिली तो आप हमारी, तो गाइस आपसे क्या छुपाना, इसीलिए मैंने कहा ठीक है जैसे हम देखते हैं आप लोग भी देख लो क्या मतलब ये अगर मेरे को नहीं लगता अपनों की नज़र लगती है जो प्यार करते हैं, ठीक, मतलब नज़र तो उनकी लगती है जो मन ही मन मतलब बोल देते हैं कि ये है वो है, ठीक है सामने से कुछ और होते पीछे से कुछ और होते, बट आप लोग अपने हो तो आपकी कैसे नज़र लग सकती है। एंड फिर बस यही है गाइस कि जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ, रिकवर हो जाऊँ, और क्या फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। यार मैं अभी बोर हो गई हूँ, सोचो 4-5 महीने वो थे, 4-5 महीने क्या, सितंबर गया, मम्मी तो अगस्त से ही फिर बीमार थी, अगस्त मतलब वो 5 महीने वो, और फिर अभी 9-10 महीने ये मैं कहीं नहीं गई, कहीं कुछ नहीं किया मैंने, बहुत बेसिक नॉर्मल सी लाइफ जी है। और यार वैसे मैं हूँ भी ऐसी, जैसी मैं आप लोगों को दिखती हूँ वैसी ही हूँ मैं, मतलब मेरे को शो ऑफ नहीं होता मेरे से, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ठीक है, मतलब ये नहीं होता मेरे मन में ये है और मैं बता कुछ और रही हूँ, मैं जो हूँ मैं मुँह पे बोल दूँगी, ठीक है कि हाँ ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई, मेरे से ये नहीं हो गया हाँ हाँ जी हाँ जी, और फिर पीछे से कि ये ऐसे है वैसे है, बस ये है मेरे साथ प्रॉब्लम।
तो बस यही था कि हाँ मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है और जल्दी जल्दी से मैं रिकवर हो जाऊँ, फिर अच्छे अच्छे से ब्लॉग आएंगे देखने के लिए। देखो कितनी सारी मुक्की हो रही है, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है मेरे को अभी अपने आप को देख कर। तो कमेंट करके बता देना ब्लॉग कैसा लगा। और गाइस पता नहीं, मेरे को लग रहा है ना मेरे यूट्यूब चैनल में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया है, और ये सब्सक्राइब करो मत करो, पर राजी खुशी रहो, ठीक ठाक रहो सब अपने घर, और जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। ठीक।